الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم। एक और गुनाह और जुर्म जिसे मुआशरे में गुनाह नहीं समझा जाता वो है हसद करना, जेलेसी जिसे कहते हैं। हसद का मतलब है किसी के पास कोई नेमत है तो उसे देखकर आप खुश होने के बजाय जलना शुरू कर दें और आपके दिल में ये तमन्ना पैदा हो जाए कि काश इससे ये नेमत छिन जाए, ना रहे इसके पास। ये चीज़ भी हमारे मुआशरे में आम है। किसी भाई के पास पैसा आ जाएगा, दोस्त के पास पैसा आ गया तो गरीब दोस्त उसे देख के जलना शुरू कर देता है। किसी के नंबर अच्छे आ गए इम्तिहान में आपके किसी क्लास फेलो के, तो दिल में आपके जलन सी होना शुरू हो जाती है। दो भाई इकट्ठे रहते हैं, दूसरे की बाद में शादी हुई, घर में एक और भाभी आ गई तो पहली वाली भाभी उससे जलना शुरू कर देगी कि भाई इस घर में एक और क्यों। ये एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा होता है हसद का मादा, क्योंकि नासमझ होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जलते हैं बच्चे एक दूसरे को देख देख के। इससे ये पता चला कि ये जलना कुड़ना किसी की नेमत पर, ये बचकाना हरकत है, बच्चों में ये ज़्यादा होती है। अगर ये बड़ों की हरकत होती तो बच्चों में ज़्यादा ना होती। बाज़ दफ़ा हसद सगीरा गुनाह की फहरिस्त में और बाज़ दफ़ा हसद कबीरा की फहरिस्त में दाखिल हो जाता है। अगर आपके दिल में किसी की नेमत को देखकर जलन पैदा हुई और आपने उसे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया तो ये सगीरा गुनाह है, और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये कबीरा गुनाह में दाखिल हो जाएगा। आजकल सबको ये बात मालूम है कि थोड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी किसी को नुकसान पहुंचाता है तो भर के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और हकीकत में हसद करने वाला अपने ही आप को नुकसान पहुंचाता है। ये जेलिसी और हसद इतनी बड़ी बुराई है कि इससे बड़ी बड़ी बुराइयां जन्म लेती हैं। कुरान मजीद में है, अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। यहूदियों को सबसे ज्यादा हसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ कि हम दुनिया के इमाम थे, मूसा कलीमुल्ला के मानने वाले, ये अरब के बद्दू जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, इनमें खुदा ने पैगंबर को क्यों भेज दिया, तो अब हमें इनको मुक्तदा और रहबर मानना पड़ेगा तो हम छोटे बन जाएंगे और अरब बड़े हो जाएंगे। इसी जेलिसी में, हसद में उन्होंने एक सच्चे नबी का इनकार किया और हमेशा हमेशा की जहन्नम के मुस्तहिक बने। तो अल्लाह ताला ने अहले यहूद और अहले नसारा के इस हसद का भी कुरान मजीद में जिक्र किया है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते हैं। हाँ, बहुत से उनमें ईमान भी लाए और बहुत से जेलिसी की वजह से इनकार कर बैठे। तो अब सोच लेना चाहिए कि हसद कितनी बड़ी आफत है कि जिससे इंसान बसा औकात ईमान की नेमत से महरूम हो जाता है, पैगंबरों तक का इनकार कर देता है। ये इतनी बड़ी बुराई है कि कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरत नाजिल हुई हासिदों के शर से बचने के लिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फरमाया नबी, आप अल्लाह से पनाह मांगिए हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे। अब ये एक ऐसी चीज है, बसा औकात इस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, गैर इख्तियारी तौर पर इंसान के दिल में किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ जज्बात भड़कते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को ना चाहते हुए भी दिल में हसद पैदा हो गया, वो उसको अफसोस हो रहा है, वो परेशान है कि मेरे दिल में हसद क्यों है, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि गैर इख्तियारी चीज है। बस वो इसके तकाजों पर अमल ना करे, यानी जिससे हसद हो रहा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे और अपने इलाज की फिक्र में लग जाए। अब अगर आपको किसी की नेमत देखकर आपके दिल में जलन हुई तो अब आपने कुछ काम करने हैं जो शरीयत का हुक्म है। पहला काम ये सोचना है कि भाई तकदीर में जो चीज लिखी है वो टल नहीं सकती। अगर अल्लाह ने आपके किसी भाई को, किसी बहन को
ज्यादा नेमत दे दी तो ये उसकी तकदीर का हिस्सा थी और ये चीज उसको मिलकर रहनी थी। तो जो चीज जिसको लाजमी मिलनी है उस पर इंसान अफसोस क्यों करे? खुश नहीं हो सकते तो कम अज कम अफसोस तो ना करें। और आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। और असल आखिरत है, आखिरत की तरफ तवज्जो दे इंसान, वहां इंशाल्लाह जुल्म ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी। दूसरी चीज जिसके लिए दिल में हसद पैदा हुआ उसके लिए दुआ मांगी जाए कि ए अल्लाह तू इसको इस नेमत में मजीद तरक्की दे दे। ये काम तो बड़ा मुश्किल है, दिल तो चाह रहा होगा कि उसको कुचल दें, गर्दन दबा दें उसकी, बददुआएं दे दे के मार दें उसको। लेकिन ऐसे मौके पे ये सोचना चाहिए कि एक मशहूर मसल है कि अगर कौओं की बददुआएं से बैल मरते तो कोई भी बैल जिंदा ना रहता दुनिया में, तो हासिद की बददुआओं से क्या होगा। इसलिए हासिद को चाहिए, हसद करने वाले को चाहिए कि अपने इलाज की फिक्र करे और जिसके लिए दिल में बुराई का ख्याल पैदा हो रहा है उसके लिए दुआ मांगे, अल्लाह से यूं कहे कि अल्लाह तूने उसको मेरे इस भाई को दौलत दी तो तू इसकी इस नेमत में मजीद तरक्की अता फरमा। दिल तो जलेगा लेकिन इससे आपके दिल में हसद के ख्यालात खत्म हो जाएंगे और जिसके लिए दुआ कर रहे हैं उसकी मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। तीसरा काम, जिससे हसद है उसकी बुराई या गीबत करने के बजाय लोगों के सामने उसकी तारीफ की जाए। दिल तो नहीं चाहेगा यहां भी, लेकिन अल्लाह के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इस बीमारी का भी इलाज हो जाएगा, आपके दिल से ये गलत शैतानी ख्यालात भी खत्म हो जाएंगे, दिल को सुकून भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेमत अल्लाह ने दूसरे को दी है अल्लाह उससे बड़ी नेमत आपको अता फरमाएंगे। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की तकदीर पर राजी रहते हैं, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहते हैं, अल्लाह उनको मजीद नवाजते हैं। लइन शकरतुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, मेरी तकदीर पर राजी रहोगे तो मैं मजीद तुम्हें अता करूंगा। तो ये वो काम है जो करने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दिल में जब किसी के बारे में गलत ख्याल आए तो फौरन उसकी गीबतें शुरू कर देते हैं, उसको जलील करना, उसको बदनाम करना कि कहीं उसकी इज्जत ना हो जाए, और ये सारा तकदीर पर राजी ना रहने का नतीजा है। इंसान तकदीर पर राजी हो कि भाई जो जिसको मिलना है अल्लाह ने देना है तो उसको दे दे। अब बार बार ये यहूदी कहते थे कि हमें नबूवत नहीं मिली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिल गई, तो अल्लाह ने इसका जवाब कुरान मजीद में दिया, हुम यकसिमून रहमत रब्बिक, क्या अल्लाह की रहमत तकसीम करने के की ठेकेदारी तुम्हारे पास है, क्या जिम्मेदार तुम हो, तो अल्लाह की देन है जिसको चाहे दे दे। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हम दौलत जिसको चाहते देते हैं, तुम्हारी मर्जी से दौलत तकसीम नहीं होती तो नबूवत कैसे तकसीम हो सकती है। तो हालांकि दौलत तो नबूवत की निस्बत बहुत ही कम दर्जे की चीज है। तो तकदीर पर अगर इंसान राजी रहे कि जो मेरी किस्मत का है मुझे मिलेगा, जो उसकी किस्मत का है उसे मिलेगा, तो फिर ये फासिद ख्यालात इंसान के दिल में पैदा नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि ला तहासदु वला तबागजु, ए मुसलमानों एक दूसरे से हसद ना करो, बोझ ना रखो, वकूनु इबादल्लाही इख्वाना, भाई भाई बन के रहो, दूसरे की खुशियों पर खुश हुआ करो, परेशान ना हुआ करो। कितनी प्यारी तालीमात हैं, अल्लाह हम सबको ऐसा ही साफ दिल अता फरमाए। और एक रिवायत में आता है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। पहले ही हमारे आमाल में नेकियां कम हैं, ऊपर से दूसरों से जल जल के कुड़ कुड़ के अपनी नेकियां और बर्बाद करें तो ये तो बड़े घाटे का सौदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।